गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी घड़ी में बज रहा है 7:55 और माय लाडो अभी सो रही है। अरे उठ गया उठ गया उठ गया बच्चा मेरा उठ गया। दोस्तों आज आँख बहुत लेट खुली तो मैंने सारा घर का काम निपटा लिया है, झाड़ू पोछा वगैरह। मैं नहा के भी आ गई हूँ और अब आगे सबके लिए टिफिन बना दो, देखूँ फटाफट क्या बनता है। कहाँ बंदर गया, कहाँ गए बंदर? बहुत दूर चले गए बंदर, वो देखो उनकी छत पे चले गए दूसरे। गोपला मम्मी की, गोपला ला जाओ मम्मी की, आ जाओ। सब्जी मैंने आलू की बनाई है, सब्जी तो मेरी बन गई है और पूड़ियां भी लगभग बनी चुकी हैं। और मैं इन लोगों का बांध देती हूँ टिफिन, कर लेंगे ये लोग नाश्ता, उसके बाद जाएंगे अपने अपने काम पे। ये बन रही मेरी पूड़ी। दोस्तों घड़ी में हो रहा 10:48 और हमने ये गरम कर लिया है पानी पीने के लिए। आओ देखते हैं हमारी लाडो क्या कर रही है। आ जाओ मम्मी का बेटा क्या कर रहा है, साबुन खेल रहा है मम्मी का बेटा। कैसे बाथरूम की चीजें इधर से उधर कर दी इसने, ये देखो। दोस्तों ये थोड़े से बड़े कपड़े बर्तन, इन्हें साफ कर लू मैं फटाफट, तो फिर लाडो को नहलाते हैं, फिर इन्हें तैयार करते हैं। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। नहा लिया था तो हेलो गाइस, गाड़ी में बज रहा है 11:25 और मैंने कपड़े बर्तन धुल लिए हैं, हमारी लाडो भी नहा चुकी है। मैंने सुबह बहुत जल्दी में नहाया था इसलिए मैं ब्रश करना भूल गई, तो अब मैं ब्रश कर रही हूँ। कपड़े फैला के आते हैं रस्सी पे। ये टंग रहे हमारी लाडो के कुछ सूखे हुए कपड़े, मैं उतार लेती हूँ। यह है हमारी लाडो के सूखे हुए कपड़े, इन्हें मैंने उतार लिया है, इन्हें मैंने रात धुल के डाला था। तो बाई मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, तो गाये मत वाली साल झुक जाए फूलों की डाल। दोस्तों हमारे पापा ने दहेज में हमें दिया था वॉशिंग मशीन, अभी भी पैक रखी है, खुली ही ना। बताऊं क्यों? क्योंकि हमारा वॉशरूम बहुत छोटा है, जगह ही ना रखने के लिए, तो कहाँ रख के कपड़े धुलूं। पतिदेव हाथ से कपड़े धुलवाते हैं, उनकी लाइट बचेगी, बीबी है फ्री। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छोड़ा अपना देश हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। तुम क्या कर रही हो अंबिका, हाँ सारी लिपस्टिक ऐसी तैसी मार दी, बाप रे। हाथ दिखाओ अपने, हाथ दिखाओ, ये ऐसे पोती हाथ में तुमने, हाँ ये वाला दिखाओ, शकल देखो शकल तुम्हारी, शकल खाई है, कैसे बिखेर के रखती है सब। चलो बेटा मालिश करा लो फटाफट। क्या है बताओ क्यों रो रही हो, मालिश ना करे मम्मी, मालिश ना करे मम्मी तुम्हारी, ना करे मालिश।
मम्मी का बेटा काजल लगाएगा, काजल। मम्मी के बाबू ने लिपस्टिक तो अपने हाथ लगा ली और काजल मम्मी लगा देंगी तो बाबू मेरा बहुत सुंदर बेटा बन जाएगा। हाँ, बाबू बनेगा बाबू। हाँ, पुच्ची कर लो लो मम्मी कर ले लो। तुम कर लो लो पहिया में डर दू, पहिया में मैं बाबू के छोटी छोटी पहिया पहनो पैजनिया। हेलो दोस्तों, हम तैयार हो गए, बाबू बन गए बाबू। हेलो दोस्तों, बताओ कैसे लग रहे हैं, बताओ दोस्तों। देखो दोस्तों, जरा इनकी शक्ल, ये खा रही है मिर्चा हरा, और अगर जरा सा काट लिया ना तभी तुम्हारी नानी याद आएंगी तुम्हें। हाँ, तो तुम्हें लखनऊ जाना पड़ेगा अपनी नानी के पास। दोस्तों, हमारी दाल बन गई है और अब हम दाल खा लें जल्दी जल्दी से, भूख भी बहुत लग रही है। और मैया, समय हो गया 12:30, देख सकते हैं आप लोग 12:30। चम्मच तो छोड़ो रानी। सो गाइस, घड़ी में बज चुका है 12:45। अब हमारी लाडो आबा जाबा कर चुकी है, खाना भी खा चुकी है और अब ये सोएंगी, मैं इन्हें सुला दूं तो फिर मैं कुछ काम कर लूं आगे का। और हाँ, आज हम अपनी लाडो के लिए कान्हा जी की ड्रेस तैयार करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में, हम आपको दिखाते हैं आज हम इनके लिए क्या बनाते हैं। तो दोस्तों, घड़ी में बज चुका है पूरा 4। मेरे कपड़े सूख गए हैं, मैं इन्हें ले आई हूँ उतार के। अब मैं इन्हें सही से लगा दूं इन कपड़ों को, फिर उसके बाद सिलती हूँ मैं लाडो की ड्रेस जन्माष्टमी के लिए। जन्माष्टमी भी आ रही है पास, उसकी भी तैयारी करें। लाडो हमारी खेल रही है नीचे, ये देखो हमारी लाडो खेल रही है। तो दोस्तों, घड़ी में बज रहा है 6:10 बाकी हैं और हम पका रहे हैं रोटियां। फटाफट रोटी पका के रख लें क्योंकि जब शाम होती है हमारी लाडो बहुत रोती है, किसी के पास ना रुकती है, तो रोटी सेकने में टाइम लगता है। सब्जी वब्जी तो बन जाती है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लेकिन रोटी पकाने में ज्यादा टाइम लगता है। इन्हें मैंने डाल रखा होकर में, या आबा जाबा कर रही है और हम रोटी सेक रहे हैं। देखते हैं शाम को सब्जी में क्या बनता है, फिलहाल रोटी सेक के रख लूं। बाल खींच रही मेरे। तो दोस्तों, घड़ी में बज रहा है 7:40 और हमारी लाडो सो गई है। तो दोस्तों, ये सो गई, मैं फटाफट 2-4 काम निपटा लूं, यार पूरा दिन दिमाग खराब रहता, ब्लॉग बनाओ, वीडियो शूट करो और थोड़ा बहुत लाइव भी आना पड़ता, फिर बच्चा संभालना पड़ता है। यार आज मैंने अपनी अंबिका की ड्रेस काट ली है, सिल नहीं पाई हूँ, तो मैं कल सिलूंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।